मनीषा रानी बन गई है टोनी कक्कड़ की दुल्हन। मनीषा और टोनी का गाना हुआ शूट, फिर क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनीषा रानी बिग बॉस OTT के सीजन 2 से काफी ज्यादा फेमस हो गई हैं। बिग बॉस के घर में जितनी पॉपुलैरिटी उन्हें मिल रही थी उससे कई गुना ज्यादा शो के बाहर आने के बाद उन्हें मिल रही है। अभी हाल ही में मनीषा ने टोनी कक्कड़ के साथ गाना जमना पार किया, जिसे लेकर वो YouTube पर ट्रेंड भी करने लगी। वहीं मनीषा का नाम टोनी कक्कड़ के साथ भी खूब जुड़ रहा है। उन दोनों को #टोनीशा बोला जाता है। अब मनीषा रानी दुल्हन बन गई है और वो भी टोनी कक्कड़ की। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर ये सच है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पर आकर ये बताया था कि उनका एक नया वीडियो शूट होने जा रहा है और जिसे लेकर वो अपने शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई हैं। वहीं उन्होंने अपनी एक पोस्ट शेयर की जिसमें उनके हाथों में मेहंदी लगी थी और उन्होंने बताया कि वो उन्होंने पूरी रात शूट की है और उनका जो आने वाला गाना है उसके लिए उन्होंने पूरी रात शूटिंग की है, जिसे लेकर हर कोई ये कयास लगा रहा था कि अगर उनके हाथ में मेहंदी लगी है तो जरूर इस म्यूजिक वीडियो में दुल्हन वाला भी सेटअप होगा, और हुआ भी यही। दरअसल शूटिंग लोकेशन से एक वीडियो लीक हुई है जिसमें ये दिख रहा है कि मनीषा दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही हैं। उन्होंने रेड लहंगा पहना है और वो दुल्हन के जोड़े में दिखाई दे रही हैं और उसी के लिए मनीषा ने मेहंदी भी लगवाई थी। आपको बता दें कि मनीषा और टोनी का एक रोमांटिक गाना आने वाला है जिसके बोल हैं, अच्छे लगते हैं साथ में लग जाए ना नजर। इस गाने को लेकर मनीषा भी बेहद एक्साइटेड थी, टोनी भी बेहद एक्साइटेड थे और उन दोनों की केमिस्ट्री जमना पार में तो फैंस ने देख ही ली है, वो कितनी पसंद आई थी। तो अब इस गाने में भी मनीषा टोनी कक्कड़ के साथ नजर आएंगी और वो एक दुल्हन के गेटअप में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर और आप इस गाने को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।